1866 में जब सहारनपुर के पास नानोता गांव में दारुलूंग देवबंद की स्थापना की बैठक की गई, तब ये कहा गया कि वली उल्ला देलवी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पे जो है वो मदरसे चलाए जाएंगे। क्या स्ट्रक्चर होता है मदरसों का आज के टाइम में भारत में? जो मदरसे हैं, मैं कहूँगा कि वो कम से कम वो तो नहीं कर रहे जिसके लिए उनका अस्तित्व तय किया गया। दुनिया को जानने से रोकने का काम आज की तारीख में मदरसों के द्वारा करवाया जा रहा है भारत में, और केवल इसलिए कराया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने धंधे की दुकान चला सकें बच्चों के नाम पर। और इसकी जड़ में वो सोच है जो औरंगजेब के ज़माने में शुरू की गई थी। ये कहना कितना उचित रहेगा या कितना अनुचित रहेगा कि मदरसों का कल्चर ही हटा दिया जाए? ये हमने कभी नहीं कहा, हमने उल्टा एक सवाल पूछा है। जो लोग सवाल उठाएं, पहले सामने आके ये बताएं कि उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। केवल सबसे गरीब मुसलमान के बच्चे पे हमने ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि वो स्कूल छोड़ेगा और केवल मदरसा की तालीम लेगा। कहा जाता था प्रियंका अनुंगो रेड मारते हैं, वो छापे मारते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार औचक निरीक्षणों के समय मेरा व्यवहार थोड़ा हार्श होता था। मदरसों की फंडिंग बंद करने को जब हम कहते हैं तो हम सरकारी फंडिंग बंद करने को कहते हैं, तो 100-125 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जबकि दीन के लिहाज से लगभग 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है देश में। हमने आंकड़े दिए हैं इसमें 1,20,000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टियों पर जो किराए में मदरसों का पैसा शामिल है, वो बच्चों को हिसाब दीजिए। देश का कोई भी आलिम उलेमा मुफ्ती मेरे सामने आके ये बात ईमान रख के बोल दे कि शराब का पैसा, ब्याज का पैसा मदरसे में दिया जा सकता है, हम रिपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। इन बच्चों की एजुकेशन के लिए आप किस तरह का सिस्टम में चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, दीनी तालीम लेने के भी देश में कई सिस्टम है। हिस्ट्री ऑफ दारुल उलूम देवबंद 1980 में जो किताब प्रकाशित हुई, जो दारुल उलूम देवबंद ने ही प्रकाशित की, उसके पेज नंबर 252 से 254 पर लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में 24 यूनिवर्सिटीज इस वक्त काम कर रही हैं, कॉलेजेस हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चों तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दीनी तालीम लेनी है, वो दुनियावी तालीम तुम्हारे लिए नहीं है। लीडर हु लीड द वे, मुझे नहीं पता किसने कहा है, लेकिन बहुत सही कहा। एक लीडर मिले मौलाना आज़ाद, मना कर दिया कि स्कूल कॉलेज तुम्हारे लिए है ही नहीं, कौम ने मान लिया, नहीं गए कॉलेज, 5.5% पेट के। 5-5 शिक्षा मंत्री मिले 20 साल तक, देश का दलित वर्ग इतना भाग्यशाली नहीं था, देश के दलित वर्ग को इतने शिक्षा मंत्री नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारे। मदरसों के इतिहास के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक और सवाल है इससे रिलेटेड कि आपके टेन्योर के टाइम पे ये बोला जाता था कि आप इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, आप कहा जाता था कि प्रियंका अनुंगो रेड मारने आए हैं यहाँ पे, छापा मारने आए हैं यहाँ पे, तो मैं उस पर भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने ये भी मेरे संज्ञान में आया है कि बहुत करीब से आपने कुरान भी पढ़ी है, आपने अपने जो इंस्पेक्शन के दौरान चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है मदरसों का? देखिए, मदरसे धार्मिक शिक्षा देने के लिए, लेकिन आज के टाइम में भारत में जो मदरसे हैं, मैं कहूँगा कि वो कम से कम वो तो नहीं कर रहे जिसके लिए उनका अस्तित्व तय किया गया। कुरान में जो पहला शब्द आया इकरा, जान, खुद को जान, दुनिया को जान, ज्ञान हासिल, तो दुनिया को जानने से रोकने का काम आज की तारीख में मदरसों के द्वारा करवाया जा रहा है भारत में, और केवल इसलिए कराया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग अपने धंधे की दुकान चला सकें बच्चों के नाम पर। और केवल चंदा लेना या पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है,
उनका लार्जर बेनिफिट है, उनका लार्जर वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कौम के बच्चे एजुकेशन लेकर के अगर एम्पावर हो गए तो कल को जो ये पीढ़ी तैयार होगी एजुकेशनली एम्पावर्ड, वो हमसे सवाल पूछने लगेगी जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी के तथा कथित रहनुमा बने हुए उन लोगों पे ये आरोप लगाता हूँ कि वो देश के सबसे गरीब मुसलमान के बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, दबाव बनाते हैं, और उनके खुद के बच्चे देश के सबसे महंगे एलीट स्कूलों में पढ़ते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पूरा मुल्क चलाना चाहते हैं, लेकिन गरीब बच्चे के लिए वो दरवाज़े बंद हैं। और इसकी जड़ में वो सोच है जो औरंगज़ेब के ज़माने में शुरू की गई थी। हमने जो रिसेंट रिपोर्ट निकाली है, अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि औरंगज़ेब के ज़माने में जो सबसे बड़ा मिसलीड शुरू किया गया, जो मिसडीड शुरू किया गया, जो धोखा शुरू किया गया, वो था फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स का, उन लॉज का एक कंपेडियम था जो शरियाई तरीके से मुल्क को चलाने के लिए बनाया गया शाह अब्दुल रहीम द्वारा। और उसमें ये लिख दिया गया, मैं कोट अनकोट करूँगा या वो करूँगा कि जो 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 हमने एग्जिस्टिंग अवेलेबल सोर्सेज से जानकारी ली है वही बात है केवल, कि फतवाए आलमगीरी के बारे में जो जमाल मलिक साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये जो कानून था वो ये कहता था कि जो मुसलमानों के नोबल्स हैं, जो मुसलमानों में बड़े लोग हैं, जो मुसलमानों का एलीट है, जैसे सैयद, जैसे उलेमाज, जैसे मौलवीज, मुफ्तीज, वो और बड़े बड़े गवर्नर्स, लैंडलॉर्ड, उनको किसी भी प्रकार का अपराध करने पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब जो रिच एंड एलीट हैं उनके लिए, जो कंट्रोल करते हैं। देखिए ये सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया, ये पैन है, अब ये पैन पे ढक्कन है, अब इस पैन के ऊपर लगा ये ढक्कन इस पैन को कंट्रोल करता है, इसकी ताकत खत्म कर देता है। तो ये ढक्कन लगाने वाले जो लोग थे, एक तरफ उन्होंने फतवाए आलमगीरी लिख दिया, शरियाई लॉ देश में लागू कर दिया उस दौर में, अब इसको चलाने वाले दो तरीके के लोग चाहिए, एक वो जो नियंत्रण रखे और एक वो जो नियंत्रित हों। उसके लिए दरस निज़ामिया लिखा गया, मदरसा का करिकुलम सिलेबस एक सिस्टम बनाया गया, मदरसा रहीमिया शुरू किया गया और एक प्रकार की व्यवस्था बना दी गई। इन शाह अब्दुल रहीम के जो बेटे थे उसका नाम था वलीउल्लाह देलवी। वलीउल्लाह देलवी ने जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया और जो देश में सबसे बड़ा खूनी खेल खेला गया वो इसी सोच से निकल करके खेला गया। ये सोच क्या थी? आलिम, उलेमा, मदरसों के तालिब, ये सब मिलके शरियाई तरीके से मुल्क को चलाएं, बादशाह जो होगा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इनके बताए तरीकों से मुल्क को चलाएगा। ये एक व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था को चलाने में जब ताकत कमज़ोर हो गई औरंगज़ेब के मरने के बाद, तब क्या किया वलीउल्लाह देलवी ने? खत लिख करके अहमद शाह अब्दाली को गजवाए हिंद के लिए भारत में आमंत्रित किया। नतीजे में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, लाखों भारतीयों का खून बहाया गया केवल एक सनक के लिए कि हमको शरियाई तरीके से मुल्क चलाना है। और उसके बाद यही परंपरा आज मदरसों में लागू करने के लिए 1866 में जब सहारनपुर के पास नानोता गांव में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की बैठक की गई, तब ये कहा गया कि वलीउल्लाह देलवी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स के आधार पे जो है वो मदरसे चलाए जाएंगे। अब इस रिपोर्ट में जब अब आगे पढ़ेंगे तो अनेक सारे नाम आएंगे, इसमें अब्दुल घनी का भी नाम आएगा, इसमें शाह इस्माइल देलवी का नाम आएगा, इसमें शाह अब्दुल घनी और शाह इस्माइल देलवी जो वलीउल्लाह देलवी के ही वंशज लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार तकवीतुल ईमान नाम की किताब लिखी जिसमें मुजाहिदीन का ग्रुप किस प्रकार काम करेगा ये लिखा। उन्होंने ये भी बताया, इसके बाद जब आप आगे आएंगे
तो आप ये पाएंगे कि शाह अहमद बरेलवी का जो मूवमेंट था और उसमें जो जो शाह अब्दुल अज़ीज़ जो शाह वलीउल्लाह देलवी के सपुत्र थे उन्होंने ये देखिए पढ़ के आपको बताता हूँ। इन द ट्यूटलेज ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ हु वाज़ द सन ऑफ शाह वलीउल्लाह देलवी इन देली फॉर शाह अहमद इंडिया वाज़ दारुल हर्ब। इन लोगों ने ये माना कि भारत दारुल हर्ब है, द अबॉड ऑफ वॉर है और यहाँ पे जिहाद करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हम लोगों ने जो कोट लिया है ये कोट हमने लिया है इस्माइल शाह इस्माइल देलवी की, जो इंटरनेट पे पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है उससे। तो दारुल हर्ब अगर भारत को मान करके आप काम करिएगा और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आपने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना कर दी। अब आज की तारीख में जो दारुल उलूम देवबंद है वो देश में एक बड़ी संख्या में मदरसों को कंट्रोल करते हैं, देश में नहीं दुनिया में करते हैं। आपको याद होगा जब तालिबान ने, हमने रिपोर्ट में लिखा है ये भी, तालिबान में अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने अपना शासन कायम किया तो तालिबानियों ने बोला कि हम दारुल उलूम देवबंद से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो क्यों बोला, किन परिस्थितियों में बोला, वो देश को जानना चाहिए। तो मैंने जो आपको बताया कि किस प्रकार फतवा आलमगीर और दर्श निज़ामिया बनाया गया, क्या कल्पना थी कि तालिब उलेमा मौलवी मिलकर के देश चलाए, क्यों जो तालिबान थे वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, इन डॉट्स को कनेक्ट करके देखने की ज़रूरत है। ये देश के बच्चों का मामला है। मैं आपसे यही चीज़ आगे पूछूंगी कि इन बच्चों की एजुकेशन के लिए आप किस तरह का सिस्टम में, आप चेयरमैन रहे 10 सालों तक बहुत करीबी से, जैसा मैं फिर से दोबारा कहूँगी, आपने ये सिस्टम देखा इन बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, इन बच्चों के बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि मदरसे में सिलेबस क्या होता है इसकी बात हमने पुराने एपिसोड में ये सब हम कर चुके हैं, दोबारा दोहराने की कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए इनका भविष्य, इनकी इनको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत, आप कितनी ज़्यादा मानते हैं और क्या चेंजेस आप देखते हैं? देखिए, मैं जितना गांधी जी में मानता हूँ उतना बाबा साहब अम्बेडकर में मानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में जब संविधान लिखा तो अनुच्छेद 45 में ये लिखा कि भारत में संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर देश के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार दिया जाए, मुसलमान बच्चे देश के सभी बच्चों में शामिल हैं। सन 2002 में हमने इस अनुच्छेद 45 को भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में अनुच्छेद 21 का के साथ अनुकार के रूप में अंगीकार किया। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का पार्ट है राइट टू लाइफ का हिस्सा है। तो जिस प्रकार जीवन ज़रूरी है, आप संविधान की व्याख्या में जाएंगे तो 1976 वाले जजमेंट में आप पाएंगे कि राइट टू लाइफ मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। मैं आपको जीवन दे दूँ, आपको जीने दूँ, लेकिन आपको जीने की सम्मानजनक परिस्थितियाँ ना दूँ तो वो जीवन का अधिकार नहीं है। शिक्षा के बिना राइट टू लाइफ संभव नहीं है। राइट टू डिग्निफाइड लाइफ राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ के दिया गया। शिक्षा का अधिकार वो होगा जो शिक्षा का अधिकार कानून तय करता है और वो स्कूल में। इसलिए हमारी पुरजोर कोशिश यही रही कि देश भर के अनरजिस्टर्ड अनमैप्ड मदरसों का सर्वे किया जाए, हर बच्चे को स्कूली तालीम मिले, राज्य सरकार इसके लिए काम करें। दुर्भाग्य रहा मेरा कि केवल एक राज्य सरकार से हमको पूरी तरीके से पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, वो गुजरात है। गुजरात ने सर्वे किया डिस्पाइट कि गुजरात के सरकारी अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, FIR हुई, मुकदमे बने, उन्होंने सर्वे किया, 50,000 से ज़्यादा बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में दाखिला करवाया। देखिए, दीनी तालीम लेने के भी देश में कई सिस्टम हैं। मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि देखिए, अपने कल्चर को या अपने धर्म को जानना भी इक्वली जरूरी है, उसका भी अधिकार है कि अगर आपको आपके धर्म के बारे में पता ना हो। ऐसे में मदरसे, जैसे आपने बोला, एक धर्म को समझने का, एक धर्म का केंद्र मान सकते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, वो एक कानूनन एक राइट है, एक अधिकार है। लेकिन ये कहना कितना उचित रहेगा या कितना अनुचित रहेगा कि मदरसों का कल्चर ही हटा दिया जाए? नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा, हमने उल्टा एक सवाल पूछा है। देखिए, रिपोर्ट्स का काम होता है जवाब देना, हमने सारे जवाब रिपोर्ट में लिखे, एक सवाल भर पूछा है
कि इस रिपोर्ट के बनाने की प्रक्रिया पे, इस रिपोर्ट के उद्देश्यों पे, इस रिपोर्ट के रिजल्ट पे जो लोग सवाल उठाएं, पहले सामने आके ये बताएं कि उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या उनके खुद के बच्चे केवल दीनी तालीम लेने के लिए मदरसे जा रहे हैं। मैं केवल दीनी तालीम के लिए मदरसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इलीट क्लास के मुस्लिम परिवार हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी परिवार के रिश्ते हैं, जो इलीट क्लास है उनके बच्चों को तो या उस्ताद घर पढ़ाने आ रहे हैं या वो स्कूल के साथ दीनी तालीम ले रहे हैं। केवल सबसे गरीब मुसलमान के बच्चे पे हमने ये जिम्मेदारी डाली हुई है कि वो स्कूल छोड़ेगा और केवल मदरसा की तालीम लेगा। तो वो लोग जवाब दें पहले आके कि खुद के बच्चों को केवल मदरसे की तालीम क्यों नहीं दिलवा रहे। दूसरी बात जो आपने कही वो हमने इस रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में इसलिए ये बात जो है बड़ी साफ साफ कही, और रिकमेंडेशन में जब हम आते हैं तो रिकमेंडेशन में हमने साफ साफ कहा है कि भाई जो अनमैप्ड अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दो, जो हिंदू बच्चे मदरसे में हैं उनको वहाँ से निकाल लो और स्कूलों में दाखिला दो। अब देखिए आप जो पढ़ेगा वो आगे बात करेगा, जो रिपोर्ट पढ़ेगा ही नहीं केवल बात करेगा। तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि इसको पढ़िए, हिंदी तर्जुमा दिलवाऊँगा, अगर चाहिए तो उर्दू तर्जुमा करके दूंगा, लेकिन पढ़िए ज़रूर। हम कहते हैं कि हिंदू बच्चों को बाहर निकालो, किसी को कोई असहमति? हमने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमान बच्चों को भी बाहर निकालो, हमने कहा मुसलमान बच्चों को स्कूल में दाखिल करो, मदरसे पे पढ़ाई के साथ साथ आपको आपको जो पढ़ाना है दीनी तालीम के लिहाज से पढ़ाइए, लेकिन देश के अमीर बच्चे को जो हक मिला है दीनी और दुनियावी तालीम का वो गरीब बच्चे को भी मिले। और सबसे बड़ा सवाल, हमारी रिपोर्ट कहती है कि मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद कर दो, हमारी रिपोर्ट कहती है कि आर्टिकल 21A के इम्प्लीमेंटेशन में जो बाधा है उसको रोकने के लिए मदरसा बोर्ड भंग कर दो। इसके मेरे पास दो जस्टिफिकेशन है, एक जस्टिफिकेशन जो कानूनी लिहाज से है और एक जस्टिफिकेशन जो दीन के लिहाज से है। कानूनी लिहाज से मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का के अनुसार जो शिक्षा अधिकार कानून है जो कहता है कि 6 से 10 साल की उम्र तक का बच्चा 4 घंटे और 10 से 14 साल की उम्र तक का बच्चा 6 घंटे स्कूल पढ़ेगा, उसको दिलवाने में जो बाधा उसे ख़त्म कर दो। अब जिस समय स्कूल चल रहा है उसी समय अगर मदरसा चलेगा तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, जबकि मदरसा राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 1(5) में बाहर है, शिक्षा का अधिकार कानून के बाहर है। तो आप धार्मिक शिक्षा के लिहाज से कुछ भी करिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में, किसी भी अमेंडमेंट में, किसी भी कानून में बच्चों का अधिकार नहीं छीना गया, संस्थाओं को एग्जम्प्ट किया गया, संस्थाएं दीन का प्रचार करें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बच्चों का काम स्कूल की कीमत पे वो नहीं है। और स्कूली एजुकेशन के नाम पर जो खर्च बच्चों के लिए करना है उससे अगर ये काम होगा तो बिल्कुल गलत है। इसलिए मदरसों की फंडिंग बंद कर दें और मदरसा बोर्ड बंद कर दें। दूसरी बात, मदरसों की फंडिंग बंद करने को जो हम कहते हैं तो हम सरकारी फंडिंग बंद करने को कहते हैं जो 100-125 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है, जबकि दीन के लिहाज से लगभग 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है देश में, हमने आंकड़े दिए हैं इसमें, ज़कात का, कुर्बानी का, फितराना का, FCRA का, 1,20,000 करोड़ की वफ प्रॉपर्टियों पर जो किराए में मदरसों का पैसा शामिल है, वो बच्चों को हिसाब दीजिए क्यों पैसे का क्या कर रहे हैं ये वफ बोर्डों के लोग। दूसरी बात, सरकार से आप इमदाद लेने के लिए बात करते हैं, आम मुसलमान नहीं करता, खास मुसलमान करता। अब सरकार से जो आप फंडिंग लेना चाहते हैं उस फंडिंग में क्या क्या शामिल है? सरकार की आमदनी के जरिए पता है आपको? सरकार शराब बेचने पे टैक्स लेती है, सरकार अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट का ब्याज लेती है। देश का कोई भी आलिम, उलेमा, मुफ्ती मेरे सामने आके ये बात ईमान रख के बोल दे कि शराब का पैसा, ब्याज का पैसा मदरसे में दिया जा सकता है, हम रिपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी रिकमेंडेशंस बिल्कुल वैलिड हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ने दीजिए। अब ये सब गड़बड़ कहाँ होती है? 1950 में संविधान लागू होने के बाद देश को 20 साल तक 5 मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर्स मिले। हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद हुए,
मौलाना आज़ाद संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के एक मदरसे के अंदर खड़े हुए और खड़े होकर बोले कि देश के मुसलमानों के बच्चों को ये कोट है, इसमें कोई इस पर संदेह ना करे। द नेग्लिजेंट चैप्टर में मौलाना आज़ाद के भाषण का वो हिस्सा है जो मैंने नहीं सुना, आपने नहीं सुना। हिस्ट्री ऑफ दारुल उलूम देवबंद 1980 में प्रकाशित किताब, 1980 में जो किताब प्रकाशित हुई, जो दारुल उलूम देवबंद ने ही प्रकाशित की, उसके पेज नंबर 252 से 254 पर लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में 24 यूनिवर्सिटीज इस वक्त काम कर रही हैं, कॉलेजेस हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, लेकिन मुसलमानों के बच्चों तुम्हें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दीनी तालीम लेनी है, वो दुनियावी तालीम तुम्हारे लिए नहीं है। कौन कह रहा है? देश का पहला शिक्षा मंत्री कह रहा है, और उसी का अनुसरण किया देश के बाकी शिक्षा मंत्रियों ने। मुसलमानों में 5.5% बच्चे हायर एजुकेशन में आए। सर्वे कौन सा है? ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का जो सरकारी सर्वे है, जो देश भर के कॉलेजों से किया गया, मुसलमानों की तादाद 5.5% है। उनसे आबादी में कहीं कम शेड्यूल ट्राइब 5.6% है, शेड्यूल कास्ट 14.7% है, OBC 37%। कारण, लीडर हु लीड द वे। मुझे नहीं पता किसने कहा है, लेकिन बहुत सही कहा है। एक लीडर मिले मौलाना आज़ाद, मना कर दिया कि स्कूल कॉलेज तुम्हारे लिए है ही नहीं। कौम ने मान लिया, नहीं गए कॉलेज, 5.5% पे अटके। 5-5 शिक्षा मंत्री मिले 20 साल तक। देश का दलित वर्ग इतना भाग्यशाली नहीं था। देश के दलित वर्ग को इतने शिक्षा मंत्री नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन परिवारों ने इसको अपने आत्मा में बसा लिया। महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर के जो है सावित्री बाई फुले तक, और बाबा साहब अम्बेडकर तक, जो एक एक लीक पे, एक परंपरा पे, एक प्रिंसिपल पे पूरी कम्युनिटी को चलाया गया, उसका परिणाम यह है कि आज दलित बच्चे पढ़ने में आ गया है, तमाम दुश्वारियों के बावजूद। उनको मुसलमानों से कम प्रतिनिधित्व मिला शिक्षा के मामले में सरकार में, उसके बावजूद आज कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़कर नौकरियों में आ रहे हैं। स्वागत करना चाहिए उनका, सम्मानित करना चाहिए देश की दलित कम्युनिटी को, कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के कहे हुए बातों को मन वचन कर्म से माना और शेरनी का दूध पी के अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दहाड़ रहे। ये अंतर है। एक लीडर ने बोल दिया नहीं पढ़ना, और एक लीडर ने बोला पढ़ो, तो देखिए कहाँ पहुँच गई दुनिया। प्रियंक जी, नए भारत के निर्माण में टाइम एंड अगेन ये बात किया जाता है, न्यू इंडिया। और बात भी क्यों ना हो, आज का जो भारत है वो पिछले भारत से बिल्कुल अलग है, जुदा है। मैं कोई कम्युनिटी की या मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे अधिकार हैं जो लोगों को पता चल रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। आप आने वाले वक्त में भारत के युवाओं का नेतृत्व कितना स्ट्रॉन्ग, जो आज जैसे आपने बोला कि आपका टेन्योर 10 साल का था, NCPCR 9-10 साल का था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में, 10 साल में जो बच्चे उस वक्त 25 साल के, 20 साल के जो युवा थे, वो आज सशक्त हो चुके हैं उस पोजीशन पे काम करने के लिए, या उतना अवेयरनेस बढ़ गई है, उतनी मेच्योरिटी आ गई है चीज़ों को सही गलत में निर्णय समझने का, और जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट भी की जा रही हैं, सोशल मीडिया का हमेशा नेगेटिव रोल ही नहीं रहता है, पॉजिटिव रोल भी सोशल मीडिया का काफ़ी रहा है। ऐसे में यंग इंडिया के लिए और नए भारत के लिए इन बच्चों को कितना सशक्त होने की ज़रूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि 2047 में जब हमारा भारत सशक्त, विकसित भारत होगा, उस समय हम लोग नहीं होंगे। आज जो बच्चे हैं वो इस देश का नेतृत्व कर रहे होंगे। वो जब बच्चों से परीक्षा पे बात करते हैं ना, तो परीक्षा पे चर्चा के दौरान वो बच्चों के अंदर वो बीज डाल रहे होते हैं, तो हम सबका काम वो बीजारोपण करना ही है, कि हम अपनी पीढ़ी के कंधों को कितना मजबूत कर सकते हैं, जिसको केवल भारत का भार नहीं उठाना। हमारी आबादी में जो बच्चे हैं वो 40% हैं,
तो हमारी आबादी युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होने जा रही है। तो युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होने के नाते हमारे ऊपर वैश्विक भार है। वैश्विक भार है कि विश्व को ऊंचा ले जाना है, विश्व को संरक्षित करना है। तो भारत की युवा पीढ़ी को केवल भारत के लिए सपनों सजो के आगे नहीं बढ़ना है, पूरे विश्व की चिंता करने की जिम्मेदारी भारत की ही युवा पीढ़ी पे है, इसको स्वीकार करना होगा। और विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करते हुए उठकर जागकर आगे बढ़कर तब तक चलना होगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और लक्ष्य जिस दिन विश्वगुरु भारत होगा उस दिन पूरी दुनिया कंपेशनेट होगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हमने युद्ध नहीं दिए, बुद्ध दिए हैं। तो भारत जब विश्वगुरु बनेगा वो शांति की दुनिया होगी, वो संवर्धन की दुनिया होगी, संस्कारित दुनिया होगी, और एक ऐसी दुनिया होगी जो आने वाली जनरेशन्स को और सुखद और रचनात्मक इस प्रकार का वातावरण दे रही होगी कि हम दुनिया को आगे ले जाते वक्त मानवता को सर्वोपरि रखते होंगे। तो मानव मूल्यों को अपने सारे डेवलपमेंट में साथ लेके चलने की आवश्यकता है। और इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज़रूरत है, 100%। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे सरकार हो, सबको मिलकर के बच्चों को संरक्षित करके आगे ले जाना है। क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे तो दुनिया की धरोहर है। अगर इन बच्चों को संरक्षित नहीं किया तो हम अखिल ब्रह्मांड का नुकसान कर रहे होंगे, इसलिए बच्चों को संरक्षित करके मजबूत बना के आगे ले जाना है। प्रेम जी, जाते जाते मेरा ये सवाल जो मैंने आपसे बोला भी था कि कहा जाता था प्रियंका अनुंगो रेड मारते हैं, वो छापे मारते हैं, रेट पड़ने वाली है, ये बात कितनी सही। क्योंकि अब मैं ये लेवरेज या ये मैं फ्रीडम ले रही हूँ ये सवाल करने का, क्योंकि अब आप खुल करके मेरी बात का जवाब दे सकेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कई बार औचक निरीक्षणों के समय मेरा व्यवहार थोड़ा हार्श होता था, लेकिन वो बच्चों के हित में होता था। अब बताइए ज़रा, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, अब गाड़ी ड्राइव करते में जो स्पीडोमीटर है उसे कैमरे के कारण नियंत्रित रखते हैं, ट्रैफिक हवलदार के कारण नियंत्रित रखते हैं, या स्वप्रेरणा से नियंत्रित रखते हैं? कभी ऐसा नहीं होता कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो और ध्यान आता है कि भाई वो कैमरा लगा इसलिए रोक लो। तो मेरा काम भी वही था, यातायात से भरी हुई सड़क पे मुझे ट्रैफिक के कांस्टेबल की तरह खड़ा किया था मेरे प्रधानमंत्री ने। अब अगर मैं आग झपका के सो जाऊं तो एक्सीडेंट हो जाए, अगर मैं औचक निरीक्षण ना करूं तो मुझे सच कैसे मिलेगा? अगर मैं पहले से बता दूं कि फलानी तारीख को इतने बजे मैं आपके निरीक्षण करने आ रहा हूं, बच्चे हैं ये अबोध हैं, इनको ट्यूटर करके रखा जाता था। घंटों घंटों बातचीत होने के बाद कितने सारे अपराधों की पुष्टि हुई है। केरल में एक चिल्ड्रन होम था, कई सारे आरोप थे, पुष्टि नहीं हो पाती थी। 3 दिन तक हम वहाँ पड़े रहे, 3 दिन एक चिल्ड्रन होम का इंस्पेक्शन किया। 3रे दिन कचड़े के डिब्बे से मणिपुर की एक CWC का अवैध आदेश मिला हमें, कोरा लेटर हेड मिला। मणिपुर की CWC को पूछा, पता चला उनका कागज नहीं, अवैध ढंग से कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक करके लाया जा रहा था। वो दस्तावेज नहीं मिलता तो पता नहीं चलता। 3 दिन तक किसी बच्चे ने हमें कुछ नहीं बताया था। होता यह है कि जब ये ट्रैफिकिंग जैसे अपराध होते हैं, बच्चों के साथ यौन हिंसा जैसे अपराध होते हैं, और अपराधी जान पहचान वाला होता है, अपराधी को बच्चे अपना संरक्षक मान रहे, सच सामने नहीं आएगा। आप यकीन मानिए मेरे को इतनी आत्मसंतुष्टि होती है ये घटना बताते हुए। हमने वो मणिपुर की फर्जी दस्तावेजों के आधार पे उस पर 420 का मुकदमा बनवाया और जेल गया। उसके जेल जाने के बाद जब बच्चों से स्थानीय अथॉरिटीज ने बात की, उस पर पॉक्सो का मामला सिद्ध हुआ।
वो बच्चों के यौन शोषण में झेल गया। तो बच्चों को जब ये लगता है कि ये जो आया है ना, ये मेरा संरक्षक इसलिए हो सकता है क्योंकि उस आदमी से नहीं डरता जो मेरा शोषक है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हमको कई बार इस तरीके का अभिनय भी करना पड़ता है। लेकिन हम बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, अगर उनको हम में विश्वास नहीं जगेगा तो हमको सच नहीं बताएंगे, और यही वो कारण है कि हम अपना काम सफलतापूर्वक कर पाए। प्रियंक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और जैसा कि आपसे मैंने वादा लिया था, आप फिर से हमारे शो पे एक बार, क्योंकि वो चर्चा अधूरी रह गई थी, तो फिर से इस चर्चा को पूरा करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया और आपने बहुत खुशी खुशी इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।